अमरिमिल्लबिनला सैद्बिया वालसमिन जैसा कि दुनिया भर में अलहदुल्ल रजब का चाँद नमोदार होता है तो महब्बान अमिरमिन अलीबिनब जहाँ कहीं भी होते हैं उनके ज़ेहन में एक ही चीज़ होती है कि हम जशन विलादत अमीरुल अमीराम कैसे मनाएंगे। हकीकत में ये जज्बात और ये खुशियाँ ख़ुद एक मोहब्बत का बेहतरीन नमूना है और यही मोहब्बत का इजहार हमारी इस दुनिया और बिलखसूस आख़रत को संवारने के लिए बेहतरीन ज़रिया है हमने देखा है कि अगर किसी घर में तेरा रजब को बच्चा पैदा होता है तो उनकी खुशी की इंतहा होती है यानी बच्चे की खुशी से भी मैंने देखा है कि अक्सर जो है वो ये इजहार होता है कि अल्लाह ने हमें ये नहमत दी है और ये नमत हमें तेरा रजब को दी है ये मोहब्बत का एक बेहतरीन सबूत है परवरदगार इन मोहब्बतों में और इजाफा फरमाए एक चीज़ जो मदनज़र रखनी है और मैं इस सेशन में अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि तेरह रजब मौलूद क़बा के फ़ज़ाइल का महीना है एक बात मद रहे और वो ये है कि आया इन फ़जाइल को कहाँ से लेना है ये फ़जाइल सबसे बेहतरीन ज़रिया अल्लाह की किताब है कलाम ख़ुदा से लेना है हमें फ़जाइल अहल बैत यानी अल्लाह ने कुरान में इनकी जो अजमत बतलाई है वो दूसरा पहलू यह है कि हमें पैगम्बर अक्रम सल्हसम की ज़ात ग्रामी से सीखना है कि अली कौन है ये ख़ानदान कौन है और तीसरी चीज़ जो आज के सेशन का मौजू है वो यह है कि बलागा जैसी किताब से हमें ये देखना है कि अमीरुल अमअमिन ने अपनी ज़बान मुबारक से क्या फ़ज़ाइल बयान किए हैं बलागा में ही अमीरुल उमिन का एक फरमान है इमाम फरमाते हैं कि इंसान अपनी ज़बान के नीचे पोशीदा है और एक जगह पर इमाम फरमाते हैं कि बोलो ताकि आप पहचाने जाओ यानी कि बोल इंसान की पहचान का ज़रिया है अगर अमीर अमामिन की अज़मत को पहचानना है तो अली अमीरमिन के कलाम को और अल्फाज को पहचानिए वो ज़ात ग्रामी जो अमीर कलाम हैं इमामकाम हैं वो जब अपने फ़जाइल बयान करते हैं तो सबसे बड़ी फजीलत जनाब अमीर उमिनीन की यही है कि मेरा तल्लु अल्लाह से है और अल्लाह के साथ तल्लु और अल्लाह की इबादत का जो अंदाज़ जनाब आमिराम ने बयान फरमाया आपको कहीं और नहीं मिलेगा नाहजुलबलागा के तीसरे हिस्से कल एमात के सार के नंबर दो सौ सैंतीस को अगर आप जाके देखिए तो जनाब आमिराम यहाँ नाहजुलबलागा में इबादत की अकसाम बतलाते हैं इमाम फरमाते हैं कि एक जमात ने एक कौम ने अल्लाह की इबात इसलिए की है रग फ़तेल का इबादतार उनकी उस इबादत में कोई ख्वाहिश थी यह खुद इबादत उनकी ख्वाहिश थी यानी उस इबादत में उनकी ख्वाहिश को दखल था तो इमाम फरमाते हैं कि ये इबादत तुजार है किसी ख्वाहिश के लिए खवा जन्नत की ही ख्वाह हो तो ये इबादत तुज्जार है दूसरा पहलू इमाम फरमाते हैं कि कुछ अफराद ने अल्लाह की इबादत की हैबल रहब फ़तेल का इबादतुल अबीद कुछ लोगों ने अल्लाह के खौफ से इबादत की है अब यह खौफ से इबादत करने वाले खा अल्लाह ही का खौफ हो बड़ा बारीक नुकता है कि खौफ खुदा से इबादत नहीं है मोहब्बत खुदा से इबादत है अब अगर खौफ की वजह से कि मुझे अल्लाह जहन्नम फेंक देगा मेरे रिज् में मसलन बरकत नहीं होगी मेरे लिए ये मुश्किल पैदा होंगी किसी किस्म के खौफ की वजह से अगर इबादत होती है तो अमीरमिन फरमाते हैं कि ये गुलामों वाली इबादत है इसलिए कि गुलाम जो काम करता है वो काम अपने मालिक अपने मौला की खुशनुदी के, के लिए या उसके डर की वजह से करता है और तीसरी और हकीकी इबादत की किस्म अमीरुल हैं कुछ लोग ऐसे हैं व इन कौमन अब शुक्र अहरार कुछ ऐसे लोग हैं जो अल्लाह की इबादत इसलिए करते हैं कि अल्लाह का शुक्र अदा करें उसके एक एक शुक्र पे इमाम सलाम की तरह फिर सजदे करते रहते हैं ये इबादत है शुक्र के तौर पर अब जो इबादत शुक्र के तौर पर हो जनाब अमीर फरमाते हैं ये है इबादतुल इबादतल कि ये आबदों आ, आजाद बंदों वाली इबादत है अब हमें अली यही सिखा रहे हैं इबादतुल अहरार अंजाम दीजिए वाली यानी न तेरी जन्नत का खौफ अजहनम का खौफ है न तेरी जन्नत का लालच है इसलिए तेरी इबादत करते हैं कि तू लायक की इबादत है और तेरे इस नामात पे हम शुक्र अदा कर रहे हैं यह है वो फजाइल जो अमीरुल अमीरमिन ने बतलाए हैं और अल्लाह से ताल्लुक सबसे बड़ा फजल क्या है अल्लाह से तल्लु जनाब अमीरमिन का अब नजम फंदी ने बहुत प्यारा जुमला कहा और चूंकि मिलाद मुबारक के अयाम है अल्लाह ने मखसूस तरीके से काबे के दीवारों से दर बना के जनाब अमीरमिन को इस कायन में भेजा और फिर मुस्तफ़ा को भेजा जाओ मेरे वली को मेरे घर से अपने हाथों पर उठा के इस ज़माने के सामने पेश करो और इसको नज़म नजमाफी ने अक्शेर में बड़े खूबसूरत अंदाज़ में मंजूम किया है नजम फरमाते हैं कि मौलूद हरम नबी की आगोश में है बंदे पूछें खुदा के घर की बात यानी अल्लाह ने अपने वली को अपने घर में भेजा नबी के हाथों पे उसको बुलंद किया इसलिए कि अब अगर किसी को खुदा की बातें पूछनी है खुदा के घर की बातें पूछनी है तो वो आए अली से पूछे हाँ यही है वो काम जिसके लिए रब नबी ने फरमाया मदीन तो में वह अली बाब आज लोग पूछते हैं आप लोग हर वक्त एक ही हदीस बयान करते रहते हैं अली बाब अली बाब कभी ये भी तो बतलाया कीजिए कि इस बाब से मिलता क्या है मैं आज के सेशन में यही अर्ज करता हूँ कि इस बाब से हिकमत मिलती है अल्लाह भी हकीम कुरान भी हकीम अगर के दरवाजे को देखना है तो वो दरवाजा है अली और ये नबी ने बतलाया है लिहाजा की बातें यानी खुदा तक पहुँचना है तो वो भी अली ये मुर्तदा से पता चलेगा और अगर कुरान तक पहुँचना है नजम नजमाफी के शेर पे इस बात को खत्म करूँ अली मिले तो मिले खाने खुदा से हमें खुदा को ढूंढा तो वो भी अली के घर से मिला परवरदगार अमीरमिन के फजाइल अली अमीर उमोमी के कलाम से जानने की तोफीक नसीब फरमाए असल वरि व